बिल्कुल सिंगल रोड है, बहुत ही मुश्किल से गाड़ियां पास हो रही हैं। ये देखें इन्होंने साफ लो। इस वक्त जी हम धीर बाला बाजार से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह छोटा सा बाजार है, बहुत ही प्यारा बाजार है, अच्छा खासा रश है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त हम इस बोर्ड के सामने खड़े हैं। ये श्रींगल और थल जहाज बांडा कुमराड़ वैली, और हमने कुमराड़ वैली जाना है 78 किलोमीटर। ओ कलो ना जी किड़ी जुलो भाई जान मजाक करें। हम जी इस जानब से आए हैं और इस जानब को हमने जाना है। हालत अपनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अभी तक कोई सही से होटल नहीं मिला, जाके हमने फ्रेश होना है। अब कुमराड़ वैली जाके हमने नहाना धोना है, वहाँ जाके कपड़े भी चेंज करने हैं। हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे, माशाल्लाह वही दरिया जो हमने आपको पहले दिखाया था, आगे पुलिस चौकी है। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत इलाका है, ये पहाड़ देखें आप, सरसब्जा देखें माशाल्लाह, और ये दरिया चार चांद लगा देते हैं। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है ये। अभी हमारा सफ़र अच्छा खासा बाकी है, तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारे आराम से लग जाएंगे। माशाल्लाह नीचे दरिया बह रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये व्यू पॉइंट है वाम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीडियोज वगैरह बना रहे हैं। हम भी यहाँ पर आके रुके हैं। इस जगह का नाम मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का व्यू पॉइंट है यहाँ पे। हमने जी इस जानिब जाना है, हम इस जानिब को आए हैं। रश बहुत ज़्यादा है, ऑफ रोड है, ये सड़क बिल्कुल ही समझ ले के काबिल ही नहीं है गाड़ियों के, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो इस सड़क की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बाकी हवा का बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है और बहुत ज़्यादा शोर है, मेरा आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पर पानी की रफ्तार अच्छी खासी तेज़ है, कैमरे में आपको नजर नहीं आ रहा होगा। क्या बात है, जुनून है। बिल्कुल सिंगल रोड है, बहुत ही मुश्किल से गाड़ियां पास हो रही हैं। ये देखें एक गाड़ी बहुत ही मुश्किल से यहाँ से गुजरी है। ओए होए होए अल्हम्दुलिल्लाह जी हम थल कुमराड़ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का हो गया है, बादल अच्छे भले घने छा चुके हैं, और वो देखें तो आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी पहाड़ों पर, और इधर आगे भी बहुत ही मज़े के पहाड़ हैं। तो भाईजान अभी बात कर रहे हैं, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, ये 4x4 जीप खड़ी है, ये जाती है। बेसिकली जी अपने घर से जो सफ़र शुरू हुआ था, रात गुजर गई, अब हम दूसरे दिन यहाँ पहुँचे हैं थल कुमराड़ में। क्या हो गया, तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला था, मैं रास्ते में ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका। तो यहाँ के अब यहाँ से आगे जो सफ़र होगा उसकी आपको पल पल खबर मिलेगी इंशाल्लाह। तो अपनी हालत ही कुछ ऐसी है, घर से जो कपड़े पहन के आए थे हम वही पहने हुए हैं, ना ही अच्छा होटल मिला, ना ही कोई रहने के लिए अच्छा कमरा मिला। तो अभी यहाँ पे हो सकता है कुछ अच्छा कमरा हो, कपड़े चेंज करेंगे, अब तक नहाया भी नहीं सुबह से, तो बहुत ही अजीब फील हो रहा है। सफ़र बहुत ही हमने लंबा किया है, कुछ ऐसी पार्किंग है, अपनी गाड़ी ये रही, और अब बात बन रही है कुमराड़ वैली तक या उससे आगे अबशार। हमें ये बताया गया था कि ये गाड़ियाँ आगे चली जाती हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ आगे या यहाँ पहुँचे तो पता चला ये गाड़ियाँ नहीं जाती, 4x4 जीप जाती है, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जीप वाला रास्ता है, तो फिर ये गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ नहीं जाती। तो अभी हो सकता है बात बन जाए, पहले बन गई थी, फिर एक और भाई साहब उन्होंने कहा नहीं ये पैसे बहुत कम है, यहाँ से वो 7-8 हज़ार मांग रहे हैं, 6 या 7 कुमराड़ वैली, फिर आगे अबशार, पता नहीं क्या क्या बता रहे। बाकी मौसम आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया। फाइनली जी हमने गाड़ी बुक करवा ली है, तो ये कुछ सस्ता है अभी यहाँ से तो अच्छा खासा है, लेकिन आगे कुमराड़ वैली से आगे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कुछ ऐसा व्यू है जी यहाँ का, बारिश भी अच्छी खासी आ गई है, हमने एडजस्ट करके काम चलाया हुआ है।
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. ابھی تک جی تھل کمراٹ کا علاقہ ہے, کمراٹ ویلی بہت زیادہ آگے ہے. تو یہ چھوٹا سا بازار ہے, یہاں سے لوگ کی اشیاء مل جاتی ہیں. مین بازار یہ ہے پٹری, اس گاؤں کا پورا ہے. یہ مطلب مین وہ یہ مین ہاں مین جگہ ہے. یہاں سے جی یہ پہاڑ بہت زیادہ نزدیک دکھائی دے رہے ہیں, جو برفیلے پہاڑ ہیں. لیکن جو بھائی ساتھ ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ پہاڑ یہاں سے تو نزدیک ہیں لیکن بہت زیادہ دور ہیں. ماشاء اللہ یہاں سے جی تھل بازار شروع ہو چکا ہے. فی الحال جی ہم اسی بازار میں رکے ہیں. یہاں پہ جو مسجد میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی فیمس مسجد ہے, کیونکہ یہ ساری کی ساری لکڑ کی بنائی ہوئی ہے. ماشاء اللہ تو ابھی میں اندر جاؤں گا, پھر آپ کو اندر سے وزٹ کروں گا. اس پورے بازار میں سمجھ لیں کہ جتنے بھی آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے نا, جو ہم پیچھے بازار سے آئے ہیں, یہ جو مین بازار ہے, مین گاؤں ہے تھل کا, تھل کمراٹ, اس میں یہ سب سے بڑی مسجد ہے. اس کے یہ دو پلر ہیں, یہ سیمنٹ کے ہیں, باقی سب جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں. وہ بھائی بتا رہے تھے تو یہ نیچے فرسٹ فلور ہے, اوپر سیکنڈ فلور ہے. اور اس مسجد کا نام جامعہ مسجد دار الاسلام ہے, تھل کوہستان, ضلع دیر بالا. ماشاء اللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے. اب لوگ ابھی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی نماز ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے, تو ہم بھی نماز ظہر ادا کریں گے. لیکن بھائی گئے ہوئے پہلے وہ آئیں گے, پھر ان کو میں اپنا سامان وغیرہ دوں گا, پھر میں جا کے نماز ادا کروں گا. ماشاء اللہ اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی پیارا ویو ہے, ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے, بہت ہی مزے کا موسم ہو گیا. تو خیر آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ولاگ دیکھنے کے لیے, مطلب یہ کمراٹ ویلی اور ابشار دیکھنے کے لیے, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو صحیح طریقے سے پہنچ جائے. تو خیر آج کا ولاگ یہی ختم کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بوسرا خیال رکھیے گا, وہ بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.